तो दिक्कत ये हुई है कि हमारे पास लाइक अब दो स्टोर्स चल रहे हैं यहाँ पर इंडियन ईकॉम वाले, बिजेथन 10 वाला और ब्रांडेड वाला, एंड रिसोर्सेस सिर्फ एक ही रिसोर्सेस को हमने बोलते तो तुम एक्स्ट्रा सैलरी ले लो और तुम इसका भी वो कर लो, क्योंकि हमें पता था कि बिजेथन 10 वाला स्टोर ज़्यादा टाइम चलना नहीं है। उनको लग रहा है ड्रॉप शिपिंग तो करते ही रहेंगे ना, एक नया स्टोर बनाएंगे उसको लेकर करते रहेंगे। पैकिंग के लिए वी नीड टू डेडिकेटेड रिसोर्सेज, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, नॉन पैकिंग ये तो रिमोट हो ही नहीं सकता, नहीं ये वाला भी आइडियली रिमोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग और बाकी सब चीज़ों की बहुत जरूरी है, वो हमारे साथ होना बेटर है। ये आप बेसिकली सुबह जाकर उनको लेबल्स वगैरह उठाओगे, बोल रहे ये मैनिफेस्टो रहे, ये लेबल्स रहे आज के, इनको आपने करना है और वो शुरू हो जाएंगे अपना करने में। FSO के एंड पे तो हम सही हैं, मैनेजमेंट के एंड पे अपन सही हैं, ठीक है, हमें उस एंड पे चाहिए बस, मेनली ये सब जो ग्रंज वर्क होता है ना जो अपन से नहीं हो पा रहा। मैं नोटिस कर आपने लाइक इन सब ई कॉम स्टोर में कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेसबुक कमेंट्स आते हैं, फेसबुक मैसेजेस आते हैं, अपने अलग व्हाट्सएप नंबर है जिसका कॉल्स भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं। अगर वो सब ना भी करना पड़े ना, जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन, NDR, वो कस्टमर सपोर्ट के लिए तो हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए, ठीक है, स्पेशली 50 ऑर्डर पर डे के लेवल पर तुम कर रहे हो तो चाहिए चाहिए, और 300-400 ऑर्डर पर डे करो तो चाहिए, थोड़ा तो एक्सपीरियंस आई थिंक बेटर है अगर रिमोट तुम हायर कर रहे हो। See, you tell me we don't have employees, I'll tell you let's hire employees. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन जॉब पोस्ट करेंगे, पोस्ट जो एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी डन सो मेनी जॉब्स ऑन अपवर्क ना, कि अपन किसी को वो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब मार्केट जो है किसी को हम हायर करें फॉर लाइक से, और आवरली होता है उसमें, नहीं उसमें फिक्स भी तो होता है, हम देखो आवरली पे ही काम करते हैं, लाइक उसमें कुछ लाइक ऐसे फिक्स्ड होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड। मेरे को मैं देख रहा था कमेंट्स मैसेज, कई बार रात को 2 बजे आ रहे हैं, कई बार 4 बजे आ रहे हैं शाम को, मतलब पूरे टाइम ही अपने मैसेजेस कमेंट्स चलते रहेंगे, एंड वी नीड समबडी रेगुलरली चेक, लाइक एवरी आवर दे नीड टू बी चेकिंग फॉर लाइक मे बी 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, एक घंटे में तो एटलीस्ट चेक करना ही है, बट ये करता है आवरली के हिसाब से, तो मेरे को पता नहीं कैसे काम करेगा। तो हम रख देते हैं कि वी विल कीप द वर्क टाइमिंग्स टू अराउंड थ्री आवर्स अ डे हो गया, बट तुम्हारे जो लॉग इन होगा दैट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम 15 मिनट्स पर आवर, ये करके कुछ रखना पड़ेगा, हमारा टाइम फालतू में जाएगा ना। अगर लोग अप्लाई करें फिलीपींस से जिनको हिंदी आती नहीं है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी कंपल्सरी, तो वहीं खुद छोड़ जाएगा बंदा। ये देखो आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की बात करते रहते हो, और यहाँ पर हमारे जो ऑलरेडी इंटर्न्स हैं उनको लग रहा है उनका जॉब खतरे में है। नमस्कार, जिन्होंने कमेंट कर रहे हैं सर के वीडियो पे कि मुझे इंटर्न रख ले, मेरे जॉब खाने वाले लोग, अगली बार से आपकी कमेंट आई ना मैं डिलीट करूंगी, नॉट एवरी वन इज लकी लाइक मी। डिस्कशन छोड़ो, धूप में बैठ जाते थे। तो अब ऐसा है कि दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, एंड क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे ई कॉमर्स स्टोर्स तो हैं इंडियन इंटरनेशनल दोनों, साथ में अपने फ्लाइंग स्टार ऑनलाइन ई कॉम टावर, बहुत कुछ चलता रहता है। बट अभी हम अगर इंडियन ब्रांडेड स्टोर की बात करें, अब ऑब्वियसली न्यू वेंचर है तो हमें क्या होता है, चीज़ें फिगर आउट करने, खुद से सिस्टम्स बनाने, और वही अपन देख रहे हैं कि यार कई बार क्या होता ना, पैकेज हमने डिस्पैच नहीं किए टाइम पे, और कई कई बार तो मतलब इतना डीले हो जाता है डिस्पैच करने में, या तो इन्वेंट्री नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो उसकी वजह से 7-8 दिन निकल जाते हैं, और फिर जो हमने जैसे ई कार्ड का अगर शेड्यूल किया होता वही एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि भाई ऑर्डर इतना पुराना हो गया आपका, 8-9 दिन पुराना हो गया कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका ऑर्डर। तो इस लेवल पे पहुंचने से पहले ऑब्वियसली कुछ कुछ हुआ है, स्टार्टिंग का देखो मैं RTO भी नहीं देख रहा हूँ, जो इस महीने का अपना सारा कैंसिलेशन RTO ये सब कुछ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हम अभी प्रोसेस और सिस्टम्स बना रहे हैं। अब मैंने क्या सोचा, एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं चीजों की, सही है कि नहीं, हम क्या करेंगे, सोच लेंगे अच्छा इन्वेंटरी ऑर्डर करना, नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढना, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना, फिर पैकेजिंग मटेरियल कहाँ कहाँ से ऑर्डर करना, क्या क्या ऑर्डर करना, कितने कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करना, ये सारी जो चीज है ना सबको अगर हम ब्रेक डाउन कर लें, और फिर उसके बाद हम देखें कि अच्छा ये वाली चीज तुम करोगे इस टाइम पे, ये वाली चीज तुम करोगे इस टाइम पे, तो हम क्या असाइन कर सकते हैं, कई कई टास्क मैं खुद कर लूंगा, कई कई टास्क मैं अपने मैनेजर को दे दूंगा, कई कई टास्क मैं बाकी अपने टीममेट्स को दे दूंगा, है ना। हर एक बंदे से फॉलो अप जब भी होता है ना, इन्वेंट्री भी जब मैं प्लेस करता हूँ ऑर्डर, मैं हमेशा फॉलो अप करते रहता हूँ, भेजा 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 भेजो भेजो भेजो, ट्रैकिंग नंबर दो,
पीछे पड़े रहना तभी वो करते हैं। तो अपने पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग हमने, अच्छा मार्केटिंग, मार्केटिंग में तो देखो एक तो फोटोज हो गए अपने प्रोडक्ट्स के, हमने फोटोज लेने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में, बोथ प्रोडक्ट एंड लाइफस्टाइल कि बेसिकली दिखाना प्रोडक्ट को। अच्छा ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर आता है एक तो वेरिफिकेशंस, एड्रेस का अपने को वेरिफिकेशंस करना है जो हमने लास्ट व्लॉग में बात किया था। लैंग्वेज, बाय द वे गाइस ये भी होता है लैंग्वेज, कई लोग ना हिंदी और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने मलयालम या तमिल में अपना एड्रेस ही लिख देते हैं एंड देन आप लोगों को क्या करना होता है गूगल ट्रांसलेट पे जाके उनका नाम उनका एड्रेस कॉपी पेस्ट करना होता है मलयालम टू इंग्लिश करके, फिर वो एड्रेस ट्रांसलेट होकर फिर उसको एडिट करना होता है। तो लैंग्वेज अलग है। पैकिंग के अंदर हमें यार पैकिंग वाला चीज़ ना बहुत लैकिंग है हमारा, पैकिंग इज लैकिंग हो जाएगा। कस्टमर सपोर्ट मैं लिख देता हूँ, इसमें एम का लार्जली काम है एंड उसके अलावा आई थिंक वी नीड, हमने जो डिसाइड किया था वी नीड वन मोर पर्सन, तो उसका हमें डिसाइड करना है। पैकिंग के लिए हमने टू हायर करने हैं, ऑलरेडी लिख दिया है, ऑलरेडी हमारे पास एच है प्लस हमने टू और हायर करने हैं। तो इसका आप ना क्लोजअप सा ले लो। लेकिन हमने शिप किया उनको फिर भी, उसमें से फिर भी 20 लोगों ने 30 लोगों ने ले लिया, देन वी विल हैव प्रूफ। ये कॉलिंग वॉलिंग तो ठीक है बट एक्चुअल लोग कई बार ले लेते हैं क्योंकि डिस्पाइट ऑफ कैंसलिंग, क्योंकि शिप रॉकेट एंगेजमेंट हाई आरटीओ रिस्क वो मार्क करता है, हाई आरटीओ रिस्क भी दिखा देते हैं। मैंने कल फिल्टर किया उसमें से, हाई आरटीओ रिस्क में से अप्रोक्सीमेटली 50-60% ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं जितना हमने भेजे। ठीक है सर। तो कुछ अगर बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछे कि आपके स्टोर का नाम क्या है, उनके लिए क्या जवाब होगा? अभी नहीं यार, वो सब अपन ना स्टोरी व्हील वगैरह वो सब बाद में करेंगे, वो बिल्डअप होगा, 6 व्लॉग सेशन होंगे बिल्डअप करने के लिए। बताऊंगा अगले महीने बताऊंगा उसका बताऊंगा।